नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने बहुत दिन ऐसी ज़िंदगी जिए हैं जिनमें आपको लोगों ने दुख दिए हैं, जिनमें आपने मेहनत का फल नहीं पाया है। आप लगातार मेहनत किए हैं लेकिन दोस्तों उनका जो परिणाम आपको मिलना था वह नहीं मिला है। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत दिन गुजार दिए जिनमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी और उनका भी सज़ा आपको मिला है। दोस्तों, आपने ऐसे कई दिन गुजारे हैं जिनमें आपको आंखों से आंसू रोना पड़ा है, दिल से आपको बहुत ज़्यादा जख्म मिला है। आप चाहते थे कि आपके सपने सच हो जाए लेकिन दोस्तों फिर भी आपके सपने सच नहीं हुए। इस तरह की ज़िंदगी आप बहुत जी लिए लेकिन दोस्तों अब और नहीं, कि अब आपका वह समय जा चुका है और दोस्तों करोड़ों के मालिक बनने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह बदल देगा और दोस्तों करोड़ों के मालिक भी आपको बना देगा। जी दोस्तों, तो इन्हें अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की किस्मत बदलने वाली है। आप सभी के जीवन काल में भगवान शनिदेव का चमत्कार चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव को सभी लोग कर्म के देवता के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, इसलिए तो इन्हें न्याय के देवता भी ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप शिव के जीवन काल का जो न्याय है वह आपको मिलेगा और पिछले समय की तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और पिछले समय की तमाम मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ये दोस्तों, हर एक दिन का, हर एक पल का आपको यश में हिसाब मिलने वाले हैं। जितने भी दोस्तों आपने जिन काल में मेहनत किए उनका सभी परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी दोस्तों, पिछले समय के मेहनत का फल आखिर अब आपको मिल ही गया। जी दोस्तों, हालांकि दोस्तों यह बात सच है कि भगवान साक्षात दर्शन नहीं देते हैं लेकिन दोस्तों अगर भक्त अच्छे कर्म करते हो तो दोस्तों भगवान को किसी न किसी रूप में अवश्य आना पड़ता है और अपने भक्त की मदद करते हैं, उनके कर्मों का फल देते हैं। और दोस्तों यह समय भी भगवान शनिदेव रूप बदल कर आप शिव के जुनकाल पर आने वाले हैं। जी दोस्तों, और आप शिव के जुनकाल में ये सभी बड़ी खुशखबरी आपको अगले 24 घंटों के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, शायद दोस्तों अगले 24 घंटों में आपको कौन सी विशेष बातों का अब ध्यान रखना है। दोस्तों, भगवान शनिदेव को कर्म के देवता कहते हैं, इसलिए दोस्तों आपको अच्छे कर्म जरूर करने होंगे अगले 24 घंटों के अंदर। और जो सावधानियां इस वीडियो में बताने वाले हैं उन्हें दोस्तों ध्यान सुनिएगा, तभी दोस्तों भगवान शनिदेव के सभी खुशखबरी को आप प्राप्त कर पाएंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखकर भगवान शनिदेव का स्मरण कर लें। दोस्तों यकीन कीजिए, भगवान शनिदेव की कृपा आप सभी के जीवनकाल पर बरसेगी, आप सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में जो घरों की स्थितियों के इनके अनुसार आपको कौन कौन से बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, घर के माहौल में, पारिजन में, स्वास्थ्य, करियर में कौन कौन से बड़े सुधार होंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इसमें अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होगा, आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। दोस्तों, संतान के करियर संबंधी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति की यश में सहायता भी मिलने वाली है। और दोस्तों, उपरांत धर्म कर्म से जुड़े मामलों में भी आपको विशेष योगदान देना पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों, अगर पैतृक संबंधी कोई वाद विवाद चल रहा हो तो दोस्तों यश में उसके बढ़ने का भी आशंका लग रहा है, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान रहें और अपने स्वभाव में धैर्य व फिर नरमी बनाकर रखें। गुस्से से बात जो है बिगड़ सकती है, किसी भी प्रकार की यात्रा नुकसानदेह यश में आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन पर काम करने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इनके द्वारा आप पर तनाव भी कम होगा
और दोस्तों छोटे छोटे लक्ष्य भी प्राप्त करने में आप उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। दोस्तों बच्चों के साथ बिताएगा समय आपके लिए आनंददायक रहेगा, इनसे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर उचित सामंजस्य बनाकर रखेगा। अगर प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उसे तुरंत कार्य रूप दें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न करवाने की योजना भी बन सकती है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य में हाथ ना डालें। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने कार्यों को अंजाम देते रहें, ये आपके लिए यश में अति उत्तम होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके मान हानि करवा सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के साथ मतभेद भी यश में हो सकते हैं, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है और विचारों को बताने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बढ़ते गुस्से के कारण आप अपने करीबी व्यक्ति को दिल दुखा सकते हैं, खुद के प्रति और गलतफहमियां भी आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हो सके तो इन सभी से सावधान रहें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम काज को लेकर की गई यात्रा आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। कार्यों को भी पूरी ऊर्जा के साथ पूरा करने में आपकी जो जज्बा है यश में बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण भी अनुशासित और सकारात्मक यश में बना रहेगा। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकते हैं। और इसके उपरांत विद्यार्थी जो है तथा युवा लोग व्यर्थ के हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय को नष्ट ना करें। यह समय फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह की अवहेलना करना यश में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको यश में बचना चाहिए। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होगी, आपको बता दें कि दोस्तों आपको बनाई हुई योजना को पूरा होते देख आपको जो है समाधान भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों यश में अगले लक्ष्य की तैयारी करने की आपको शुरुआत करनी होगी। पैसे से संबंधित निर्णय आपके उचित साबित होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यश में महिलाओं के नाम पर किया गया निवेश आपको अधिक फायदा दे सकता है, तो दोस्तों इन पर आप अधिक ध्यान दें। महिलाओं के नाम से ही कोई कार्य को या फिर योजना को लें, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी परेशानी का हल भी मिलेगा। अपनी जो है क्षमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। और दोस्तों किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ चल रहे वाद विवाद के सुलझने से संबंधों में दोबारा मधुरता भी यह समय आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अनावश्यक यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम ना बनाएं। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान भी आपको रहना चाहिए। दोस्तों गलतफहमियों की वजह से जो है संबंधों में खटास आ सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु आपका सहयोग इसमें अति आवश्यक होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मन के विरुद्ध आपको यात्रा संबंधी कोई निर्णय लेना भी पड़ सकता है। दोस्तों तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, इनसे आपको बचने की आवश्यकता होगी। दोस्तों काम से संबंधित यात्रा आपके लिए तो सफल रहेगी, लेकिन दोस्तों मन का समाधान आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको बता दें कि परिवार संबंधी चिंता इसमें आपकी बढ़ सकती है। आपके ऊपर जो है बनी जिम्मेदारी किसी के साथ बांटने की आप कोशिश करें, इनसे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी कैरियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके करियर आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज में बहुत अधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी आपके सफल होंगे और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक कार्य जो है अधिक समय आपका व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में अधीनस्थ कर्मचारी के मान सम्मान में आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी लव लाइफ यानी आपके पारिवारिक जीवन की बात करें, तो दोस्तों यश में जीवन साथी का आपको जो है भावनाओं तक सहयोग प्राप्त होगा तथा घर के माहौलों को भी डिसिप्लिन बनाकर रखेगा। दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में भी जो है अस्थायित्व लाने की वजह से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान आप अवश्य करें, ये आपके लव लाइफ के लिए इसमें बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि स्वास्थ्य में वर्तमान मौसम की वजह से हल्के फुल्के उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। अपने खान पान और फिर दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। दोस्तों हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों जैसे खांसी जुकाम गला खराब आदि परेशान करेंगे, इसलिए लापरवाही ना बरतें ही तो आपके लिए बेहतर होंगे।